नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि इस महामारी के संकट में आप सब सुरक्षित होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इस इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में अब तक हमने जो है आपको 6 चैप्टर तक क्लियर कर दिया है और 7वां चैप्टर अभी हम देख रहे हैं। और 7वां चैप्टर जो था वो था मैकेनिज्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, यानी कि औद्योगिक विवाद को सुलझाने के लिए जो भी तंत्र हैं उसके संबंध में। और इस चैप्टर में सेक्शन 43 से लेकर 50 तक हमने आपको बता दिया है। बाकी जो रेस्ट इसका सेक्शन है 51 से लेकर 61 तक, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सेक्शन 51 जो है वो है आपको ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो सभी कंटेंट जो सेक्शन देख रहे हैं, वो सारा का सारा सेक्शन जो था पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में था। अब जैसे ही यह कोड इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा, और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये कोड जो है पारित हो चुका है, राष्ट्रपति की सहमति मिल गई है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होने के लिए एक सर्टेन डेट से शुरू होगा, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, यानी आज की तिथि में ये प्रभावी नहीं है, लेकिन पारित है। तो जैसे ही ये प्रभावी होगा जिस तिथि से, उस तिथि से ये आईडी एक्ट जो है सो वो रिपील्ड हो जाएगा। अब आईडी एक्ट रिपील होगा तो उस एक्ट के तहत कई सारे मामले चल रहे थे लेबर कोर्ट्स में, ट्रिब्यूनल्स में, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स में, तो उन सब का क्या होगा उसके बारे में आपको सेक्शन 51 बतलाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लेबर कोर्ट थे वो तो अब जो है समाप्त हो जाएंगे, तो लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स जो हैं, जो कि आईडी एक्ट 1947 के तहत कॉन्स्टिट्यूटेड हैं, उनमें जो भी मामले हैं वो उस अधिकार क्षेत्र वाले जो भी ट्रिब्यूनल होगा उसको दे दिया जाएगा, उस ज्यूरिडिक्शन वाले को। यानी कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि पटना जिले में कोई ट्रिब्यूनल था या लेबर कोर्ट था, और अब जो पटना का जिला है वो सपोज कीजिए पटना जिला में जो नया ट्रिब्यूनल बनेगा इस कोड के तहत उसमें आ गया, या सपोज कीजिए कोई और जिला है जो पटना में शामिल हो गया, तो उस जिला का जो भी मामला है वो पटना को ट्रांसफर हो जाएगा नए वाले ट्रिब्यूनल को। सेकेंड पॉइंट कहता है कि जो नेशनल ट्रिब्यूनल्स थे इसके तहत राष्ट्रीय न्यायाधिकरण सब थे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत बने हुए पूर्व में, उनके भी मामले को ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसको, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को, जो कि इस कोड के तहत बनाए जाएंगे उनके अपने अधिकार क्षेत्र में। तो ये जो आपको सेक्शन है इसका उद्देश्य ये है कि भाई कोई भी पुराना मामला जो है इसलिए समाप्त तो नहीं हो जाएगा कि अब ये एक्ट खत्म हो गया 1947 का, वो पुराना मामला कंटिन्यू करेगा जब तक कि वो अपने लॉजिकल कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे, और वो उस ट्रिब्यूनल को मिलेगा जो कि अब उस एरिया का अधिकार रखता है मामला सुनने के लिए। और इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि जो केसेस ट्रांसफर्ड किए जाएंगे आपको नए वाले ट्रिब्यूनल को सेक्शन 1 के तहत, सब सेक्शन 1 के तहत, या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जिसको भी ट्रांसफर होगा नया केस, यानी जो पुराने श्रम न्यायालय या अधिकरण से ट्रांसफर हो जाएगा नए वाले में, उसको कैसे डील किया जाएगा, विथ डी नोवो। डी नोवो मतलब फ्रॉम बिगनिंग, यानी कि केस को फिर से जीरो से सुना जा सकता है, या फ्रॉम द स्टेज एट विच दे आर पेंडिंग बिफोर सच ट्रांसफर। सपोज कीजिए किसी केस में हियरिंग हो गई, सुनवाई हो रही थी, केस का बहुत सारा पॉइंट क्लियर हो चुका है, अब लास्ट कंक्लूजन पे आना है, या कोई भी स्टेज में है केस, तो वहां से भी उसकी सुनवाई हो सकती है, या यदि नया ट्रिब्यूनल चाहे तो उसको फ्रेश सुनवाई जीरो से स्टार्ट करके फिर से कर सकता है। अब सेक्शन 52 क्या कहता है, एडजस्टमेंट ऑफ सर्विसेज ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर अंडर रिपील्ड एक्ट। अब जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमारा जो आईडी एक्ट है वो इस कोड के प्रभावी होते ही रिपील हो जाएगा, तो उस एक्ट के तहत जो लेबर कोर्ट था आपका, जो ट्रिब्यूनल था या नेशनल ट्रिब्यूनल था, उनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, जुडिशियल मेंबर होंगे, उनका क्या होगा, क्योंकि आज के समय में उनमें जुडिशियल मेंबर ही होते हैं, तो उन जुडिशियल मेंबर के बारे में कहा गया है कि यदि वो इस एक्ट के कोड के आने के समय ऑफिस को होल्ड कर रहे थे और इस कोड के तहत जो योग्यता दी गई है अगर उसको वो क्वालिफाई करते हैं तो फिर उनको जो है कंटिन्यू किया जाएगा जुडिशियल मेंबर के रूप में ट्रिब्यूनल्स में या नेशनल ट्रिब्यूनल्स में, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स में, जहां भी उनको एडजस्ट किया जा सकता है अपने बाकी की अवधि के लिए। मान लीजिए उनका जो भी अवधि 3 साल का था और उसमें वो 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, तो 1 साल की अवधि बाकी बची हुई है, उसके लिए उनको एडजस्ट किया जाएगा, बशर्ते कि वो इस कोड के तहत भी अपनी योग्यता को रखते हैं। 53 किससे जुड़ा हुआ है, कंसिलेशन एंड एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट, मतलब जो भी डिस्प्यूट होगा, विवाद होगा, उस विवाद का सुलह कैसे करना है, कंसिलेशन, और उसका न्यायाधिकरण कैसे करना है, एडजुडिकेशन, न्याय निर्णयन कैसे करना है, इसके संबंध में जो है यह सेक्शन क्या कहता है कि जहां कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है या होने की संभावना है या नोटिस दे दिया गया है आपको सेक्शन 62 की तरह, सेक्शन 62 में आपको स्ट्राइक के लिए नोटिस देते हैं वर्कर्स, तो इस कोर्ट के सेक्शन 62 के तहत नोटिस मिल गई है या विवाद है या विवाद होने की संभावना है, तो कंसिलेशन ऑफिसर क्या करेगा,
कंसलेशन प्रोसीडिंग को शुरू करेगा, जैसा कि इस रूल इसके कोड में या रूल में प्रिस्क्राइब किया गया है उस तरीके से। तो रूल में प्रिस्क्राइब किया गया है, चूंकि जहां भी प्रिस्क्राइब है मैंने बताया कि रूल में बताया जाता है उसके बारे में। इसके बाद इसमें एक प्रोविजन जुड़ा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट कंसलेशन ऑफिस शैल नॉट होल्ड एनी सच प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच सच इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। और यदि कोई विवाद मान लीजिए आपको बहुत पुराना था और 2 साल उस विवाद का हो चुका है, मान लीजिए कि एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में डिस्प्यूट जो चलते चलते आपको 2 साल बीत चुके हैं, तो आफ्टर 2 ईयर जो है उस विवाद की सुनवाई जो है कंसलेशन, और उसके बाद 2 साल से उसका विवाद चल रहा था और अब वो स्ट्राइक पे जा रहा है या कोई ऐसी स्थिति आ गई है जहां डिस्प्यूट क्रिएट होने की संभावना है, तो वैसे मामलों की सुनवाई जो है कंसलेशन ऑफिसर नहीं करेंगे। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि जो कंसलेशन ऑफिसर है फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द सेटलमेंट, यानी कि आपको यहाँ पर जो वर्कर है एम्प्लॉयर है इनके बीच जो विवाद है उसके लिए वो चाहे तो समझौता लाना है, उसको क्या करना है सेटलमेंट करना है। हालांकि मैंने पहले भी आपको क्लियर किया विवाद का मतलब केवल एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच नहीं होता है, वर्कर वर्कर के बीच का भी विवाद हो सकता है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बाद का भी विवाद हो सकता है, लेकिन समझने के लिए मैं बार बार एग्जाम्पल में आपको एम्प्लॉयर एंड वर्कर बताता हूँ। तो जहाँ पर जो कंसलेशन ऑफिसर है फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट विदाउट डिले, बिना देरी किए क्या करेगा इन्वेस्टिगेट द डिस्प्यूट एंड ऑल मैटर अफेक्टिंग द मेरिट्स एंड राइट सेटलमेंट देयर ऑफ एंड मे डू ऑल सच थिंग्स एज ही थिंक्स फिट फॉर द पर्पस ऑफ इंड्यूसिंग द पार्टीज टू कम ए फेयर एमिकेबल सेटलमेंट फॉर द डिस्प्यूट। वो जो है सो बिना विलंब किए हुए डिस्प्यूट्स के कारण को जानने का प्रयास करेगा, उसकी जांच वगैरह करेगा, उसके मेरिट्स को देखेगा, जो मैटर उससे अफेक्टेड होते हैं उन सबको देखेगा, और उसके बाद वो जो भी फिट समझता है जो भी उचित समझता है दोनों पार्टी के बीच में आपसी समझौता कराने के लिए वो सारे स्टेप्स वो ले सकता है जो लीगल होने चाहिए और इस कोड के जो भी प्रोविजन है उसके हिसाब को फुलफिल करना चाहिए। अब जबकि कंसलेशन ऑफिसर जो है वो दोनों पार्टी के बीच में मान लीजिए समझौता कराने में सफल हो गया, दोनों पार्टी उसकी बात को समझ लिए, तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट या और एनी मैटर ऑफ इन डिस्प्यूट अराइव्ड एट द कोर्स ऑफ कंसलेशन प्रोसीडिंग, और उसके बाद दोनों पार्टी ने आपस में प्रोसीडिंग कार्रवाई के दौरान जो है समझौता कार्रवाई के दौरान जो है सुलह कार्रवाई के दौरान क्या क्या सेटलमेंट कर लिया, तो कंसलेशन ऑफिसर का क्या दायित्व होगा कि वो उसकी एक रिपोर्ट भेजेगा किसको, समुचित सरकार को, या समुचित सरकार द्वारा यदि किसी पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है इस काम के लिए तो उस पदाधिकारी को किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइंड बाय द पार्टीज ऑफ द डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट के पार्टीज हैं उनके द्वारा साइन किया गया मेमोरेंडम जो है उसकी एक कॉपी यानी रिपोर्ट जो है आपको समुचित सरकार को उसको भेजना होगा। अब दूसरी स्थिति होगी कि नो सच सेटलमेंट इज अराइव्ड एट, अब मान लीजिए कि दोनों पार्टी जो है अपने अपने मूंछ की लड़ाई में लगे हुए हैं और उन्होंने कहा कि नहीं भाई यहाँ पे तो समझौता नहीं होगा, अब चलना होगा कोर्ट या और भी कोई स्थिति, तो सेटलमेंट नहीं हुआ तो फिर कंसलेशन अफसर के पास कोई चारा नहीं है, वो कुछ और भी नहीं कर सकता, बस अब यहाँ पे फेल्योर रिपोर्ट उसको बनाना होगा, तो जितना जल्दी हो सके वो क्या करेगा क्लोज द इन्वेस्टिगेशन एंड सेंड द कंसर्न पार्टीज एंड टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ए फुल रिपोर्ट, और जो संबंधित पक्ष हैं उनको और समुचित सरकार को एक फुल रिपोर्ट देगा इन इलेक्ट्रॉनिक और अदर फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब, जैसा कि रूल में बताया हो इलेक्ट्रॉनिक मेल वगैरह कर सकता है, सेटिंग फोर्थ द स्टेप टेकन बाय हिम फॉर एसर्टिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस रिलेटिंग टू द डिस्प्यूट एंड फॉर ब्रिंगिंग अबाउट ए सेटलमेंट देयर ऑफ, जो भी मैटर उसने इन्वेस्टिगेट किया और उसके लिए फिर उसने जो भी प्रयास किया कि भाई सेटलमेंट हो जाए, जो भी उसने मान लीजिए कि प्रोसीडिंग चलाई है तो उसमें दोनों पक्षों की बहुत सारे बातों को अंकित करता है, जो भी कंसलेशन ऑफिसर होता है दोनों बातों को सुनता है उनको कोट करता है उसके बाद दोनों को समझाने का प्रयास करता है, जो भी उसने इन सब में प्रयास किया है उन सब का एक रिपोर्ट बना करके फेल्योर रिपोर्ट इसको कहेंगे, टुगेदर विद द फुल स्टेटमेंट ऑफ द सच फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेज एंड द रीजन ऑन अकाउंट ऑफ विच इन हिज ओपिनियन ए सेटलमेंट कुड नॉट बी अराइव्ड एट, और उसके साथ अपना एक ओपिनियन भी भेजेगा विचार भी भेजेगा पूरे फैक्ट्स को लिखते हुए कि ये बात थी ऐसे ऐसे हमने इनकी जो है सो बातें सुनी इन इन तिथियों को ये उपस्थित हुए पक्ष और ये मैटर हुआ फिर फाइनली ये इस बात पर एग्री नहीं किया और ऐसे ऐसे परिस्थितियों के चलते यह वार्ता असफल हो गई या क्यों सफल नहीं हुई, इन सबको देते हुए एक डिटेल्ड रिपोर्ट यानी कि एक रिपोर्ट उसको भेजना है सेटलमेंट ऑफिसर को अपने समुचित सरकार को या जो कंसर्न अथॉरिटीज होंगे उनको। और यहाँ पर फिर कोर्ट ने जो है एक समय सीमा निर्धारित की है 45 दिन का, किस चीज़ के लिए 45 दिन का समय सीमा निर्धारित किया 45 डेज का, कि जो उसको रिपोर्ट भेजना है कंसलेशन ऑफिसर को सुलह पदाधिकारी को कंसर्न पार्टीज को और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जो रिपोर्ट भेजना है वो
कंसर्न पार्टीज को नहीं जाती है, ये गोपनीय रिपोर्ट है, केवल समची सरकार को जाएगी। तो कोर्ट ने इस बार बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि ये कोई गोपनीय रिपोर्ट नहीं होगी, ये कंसर्न पार्टीज को भी जाएगी, यानी वर्कर और एम्प्लॉयर के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको भी जाएगा और समचित सरकार को जाएगा। और वो कितने दिनों के अंदर उनको भेज देना है, तो सुलह वार्ता जो शुरू किया उसके 45 दिनों के अंदर, जैसे ही आपने प्रोसीडिंग शुरू किया उसके 45 दिनों के अंदर आपको, और विथ सच शॉर्टर पीरियड एज मे बी फिक्स बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। समचित सरकार चाहे तो इस 45 दिन के पीरियड को बढ़ा सकती है, 60 दिन, 90 दिन, कुछ भी कर सकती है, वो समचित सरकार को रूल में फिर क्लियर करना होगा, लेकिन कोर्ट ने उसको 45 डेज का टाइम दिया है। हालांकि एक प्रोविजो भी इसमें जोड़ा गया है कि यदि कंसिलेशन ऑफिसर को नोटिस मिलता है सेक्शन 62 में, सेक्शन 62 मैंने बताया आपको स्ट्राइक से रिलेटेड है, मान लीजिए कहीं पे भी हड़ताल वगैरह से संबंधित उसको नोटिस मिलती है, तो ऐसी स्थिति में ही शैल सेंड द रिपोर्ट टू कंसर्न पार्टी एंड टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विद इन 14 डेज। तब ये समय सीमा जो है 45 दिनों की वो घट करके कितने दिन हो गई, 14 डेज, 14 दिनों की हो गई। यानी ऐसी स्थिति में उनको 14 दिनों के अंदर अपना रिपोर्ट जो है सो कंसिलेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के 14 दिनों के अंदर भेज देना है। फर्दर उसके बाद दूसरा प्रोविजो क्या कहता है कि सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द कंसिलेशन ऑफिसर द टाइम मे बी एक्सटेंडेड बाय सच पीरियड एज मे बी एग्रीड अपॉन द राइटिंग बाय द कंसर्न पार्टी टू द डिस्प्यूट। अब कई बार ऐसा होता है कि 45 दिन का समय सीमा है, सपोज कीजिए अभी की ही जो अवधि है, अभी कोविड का पीरियड है, आपने नोटिस किया, पार्टी आ नहीं पाई, कोई और समस्या हो गई, तो यदि दोनों पार्टी एग्री करते हैं, यहाँ पर दोनों पार्टी राइटिंग में एग्री होने चाहिए, राइटिंग बाय द कंसर्न पार्टीज, जनों पार्टी यदि लिखित में देते हैं कि ठीक है इस विवाद को अभी आप चलाइए और हम लोग का सॉल्यूशन कीजिए, अगर वो राइटिंग में दे देते हैं तो इसके लिए फिर समय सीमा एक्सटेंड हो जाएगा उतने पीरियड तक के लिए जितने पीरियड के लिए वो आपस में सहमत होते हैं। सपोज कीजिए एम्प्लॉयर भी कहता है ठीक है अभी और 2 महीने तक मेरी बात को सुन सकते हैं आप, या 2 महीने तक का पीरियड है, वर्कर भी इस पर एग्री कर रहा है, तो ठीक है 2 महीना बढ़ जाएगा तो 45 डेज के बाद। एनी कंसर्न पार्टी, सबसेक्शन 6 क्या कह रहा है, एनी कंसर्न पार्टी मे मेक एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर टू द ट्रिब्यूनल इन मैटर not settled by cancellation officer under the section within 90 days from the date on which the report under subsection 4 is received to concerned party and tribunal shall decide such application in prescribed manner. अब यहाँ पे एक नई बात फिर जोड़ी गई है कि कोई भी जो concerned party है, यानी कि worker भी हो सकता है और employer भी हो सकता है, कोई भी concerned party application कर सकता है एक prescribed format में जो कि rule में दिया गया है, कहाँ कर सकता है, to the tribunals, किस विषय में, इन द मैटर नॉट सेटल्ड बाय कंसिलेशन ऑफिसर अंडर दिस सेक्शन विद इन 90 डे फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच द रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 4 इज रिसीव्ड। यानी जो सबसेक्शन 4 में रिपोर्ट भेजा जाना था कि सेटलमेंट अगर नहीं हुआ और उसके बाद जो है सो आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, समचित सरकार को प्रिस्क्राइब फॉर्म में रिपोर्ट भेजना है कि सेटलमेंट क्यों नहीं हुआ, उस रिपोर्ट के रिसीव होने के 90 दिनों के अंदर यदि कंसर्न पार्टी चाहे तो ट्रिब्यूनल में जाके अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि भाई हमारा कोर्ट में आप केस आप चलाइए ट्रिब्यूनल में, ये कंसिलेशन से क्लियर नहीं हुआ, और ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड, जो उसके ऊपर ट्रिब्यूनल जो है समुचित तरीके से अपना निर्णय लेंगे। अब सेक्शन 54 क्या है, रेफरेंस टू एंड फंक्शन ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। अब नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, उनको कैसे रेफरेंस करना है या क्यों कब रेफरेंस किया जाएगा विवाद का, उनको कब निर्देशन किया जाएगा और उनके क्या कार्य होंगे उसके संबंध में कहता है। तो यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को मान लीजिए कि ऐसा लगता है कि कोई मुद्दा जो है वो आपको राष्ट्रीय महत्व का है, यानी कि पूरे राष्ट्र को प्रभावित कर सकता है, या किसी मुद्दे में एक से ज़्यादा स्टेट जो है इन्वॉल्व है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो उस मुद्दे को नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास रिफर कर सकता है, निर्देशित कर सकता है सुनवाई के लिए। और सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि यदि कोई डिस्प्यूट ट्रांसफर कर दिया गया है आपको इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को, जैसा कि यहाँ बताया गया है, या फिर सेक्शन 92 के तहत अगर कोई डिस्प्यूट ट्रांसफर हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को, तो वो फिर उसको तुरंत जो है सो उस पर अपना आगे की कार्रवाई शुरू करेगा और एक स्पेसिफाइड पीरियड में जो कि आपको डिफाइंड किया जाएगा उसके ऑर्डर में, यानी कि सरकार के ऑर्डर में क्लियर रहेगा कि कितने दिनों में इसको क्लियर कर देना है, या सरकार उसको फिर चाहे तो समय सीमा बढ़ा सकती है, यानी कि सरकार जब आदेश देगी कि फलाना मुद्दा को अब नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के द्वारा सुना जाएगा और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है 6 माह में इस पर अपना निर्णय अवार्ड जो है सो दे दे, तो ठीक है 6 महीना का समय मिला उस पीरियड में उसको अवार्ड देना है। यदि सरकार को लगेगा कि नहीं अब उतने पीरियड में नहीं हुआ तो समय सीमा बढ़ा सकती है। सेक्शन 55 किससे जुड़ा हुआ है, फॉर्म ऑफ अवार्ड, इट्स कम्युनिकेशन एंड कमिशमेंट्स। अवार्ड कैसे दिया जाएगा, कैसे उसको अवार्ड को जो है सो जो पार्टी है उनके पास पहुंचाया जाएगा, कैसे अवार्ड प्रभावी होगा, इन सब बातों से पंचायत से जुड़े हुए सारे बातों से सेक्शन 55 जुड़ा हुआ है। तो सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि जो भी अवार्ड है
अवार्ड कौन देगा? तो जैसे मैंने कल भी आपको बताया था अगले पिछले क्लास में कि जो बेंच होगा वो जुडिशियल मेंबर प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर का मिला करके हो सकता है, और वो किन मामलों को देखेंगे उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया, या अकेला एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर या अकेला जुडिशियल मेंबर का बेंच हो सकता है, या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। इनमें से जो भी स्थिति हो, इनके द्वारा जो अवार्ड दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, राइटिंग में दिया जाएगा, लिखित में अवार्ड दिया जाएगा, और उसको साइन करना होगा इलेक्ट्रॉनिकली या अदरवाइज, यदि इलेक्ट्रॉनिक साइन करने की सिस्टम है ऑनलाइन पोर्टल वगैरह पे ऐसा बनाया गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो वो अपना साइन करेंगे उसको। और उसके बाद जो है सो जो अवार्ड दिया जाएगा वो उसी व्यक्ति द्वारा या उसी बेंच द्वारा दिया जाएगा जिसने उस अवार्ड को पारित किया है, यानी कि यदि एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर किया है तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के द्वारा डिलीवर किया जाएगा, यदि जुडिशियल मेंबर किया हो तो उसके द्वारा, यदि दोनों का बेंच किया हो तो फिर दोनों का बेंच जो है उनको साइन करेंगे, यानी दोनों व्यक्ति का उस पर साइन होगा। और जितने भी अवार्ड होंगे, अवार्ड मतलब क्या, पंचायत जो भी आपको है ट्रिब्यूनल्स के द्वारा दिया गया हो, चाहे नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया हो या आर्बिट्रेशन के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा। आर्बिट्रेशन क्या है, कैसे होगा, उसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो मध्यस्थता या सुलह के द्वारा अवार्ड मिला हो या फिर ट्रिब्यूनल या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के द्वारा हो, वो निश्चित रूप से कम्युनिकेट होना चाहिए, शैल बी कम्युनिकेटेड पार्टीज को, दोनों पार्टी को और समुचित सरकार को, यानी कि जो भी उसके पक्षधर हैं, दोनों पार्टी जो पक्षकार हैं, नियोजक और श्रमिक या जो भी हैं, तो उन दोनों को और जो समुचित सरकार है जो कोर्ट में रिफर की है केस को, उनको, उन दोनों को ये अवार्ड कॉपी मिलना चाहिए। अब सबसेक्शन तीन क्या कह रहा है कि जो अवार्ड आपको कम्युनिकेट किया जाएगा दोनों पार्टी को और समुचित सरकार को इस कोर्ट के तहत, वो इन्फोर्सिबल हो जाएगा, परिवर्तनीय हो जाएगा, कब से, एक्सपायरी ऑफ 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कम्युनिकेशन। मान लीजिए कि 1 अप्रैल को आपको, मान लीजिए अवार्ड को कम्युनिकेट किया गया 1 अप्रैल 2021 को, तो 30 दिन जब बीत जाएगा तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डे 1 मई से वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक प्रोविजो दिया गया है और सरकार ने जो है अपने पक्ष में कुछ बातें यहाँ रखी है कि यदि मान लीजिए समुचित सरकार कहीं किसी डिस्प्यूट का पार्टी था और उसमें किसी ट्रिब्यूनल ने कोई अवार्ड दिया है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में कोई ऐसा अवार्ड जो नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने दिया है, और ये अवार्ड यदि किसी भी प्रकार से पब्लिक ग्राउंड के आधार पर नेशनल इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं या फिर सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को प्रभावित करते हैं, यानी कि मान लीजिए ट्रिब्यूनल ने या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने कोई ऐसा अवार्ड दिया है जो कि राष्ट्र के अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, सपोज कीजिए उसने कोई ऐसा अवार्ड दिया जिसमें एम्प्लॉयर पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाए, और उससे क्या होगा कि हो सकता है कि वर्कर की छटनी शुरू हो जाए या फिर सामान महंगे हो जाए, या फिर वो सामाजिक न्याय को किसी भी प्रकार से प्रभावित करता है, तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट या जो स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन एक जारी कर देगी कि भाई ये अवार्ड जो है 30 दिन खत्म होने के बाद प्रभावी नहीं होगा, शैल नॉट बिकम इन्फोर्सिबल ऑन एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 30 डे। तो फिर उसके बाद वो अवार्ड जो है वो प्रभावी ही नहीं होगा, उसका मतलब कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। यानी यहाँ समुचित सरकार के पास या केंद्रीय सरकार के पास पावर है कि वो नेशनल ट्रिब्यूनल के मामले में या ट्रिब्यूनल्स के मामले में किसी भी अवार्ड को इस आधार पर कि वो राष्ट्र के अर्थव्यवस्था को या सामाजिक समरसता को प्रभावित करता है, सामाजिक न्याय को प्रभावित करता है, लागू करने से रोक सकती है। और सबसेक्शन 4 क्या कहता है आपको कि जहां मान लीजिए सबसेक्शन 3 के तहत सरकार ने रोक लगा दिया अवार्ड पर कि भाई ये नेशनल इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकता है, सोशल जस्टिस को अफेक्ट कर सकता है, तो रोक लगाने के 90 दिनों के अंदर जो समुचित सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसने भी रोक लगाया है वो विदिन 90 डे फ्रॉम द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ सच अवार्ड, तो वो अवार्ड जिस स्थिति को लागू हुआ था, मान लीजिए 1/4/2021 को लागू हुआ था, तो 1/4/2021 से 90 दिनों के भीतर आपको जो है सरकार को कम्युनिकेट करना पड़ेगा उसका रीजन के साथ, और वो फिर ऑर्डर में उसको रिजेक्ट कर रहा है या फिर वो उसको मॉडिफाई कर रहा है अवार्ड को, ये चीज़ उसको क्लियर करना पड़ेगा। यानी कि सरकार को एक नया ऑर्डर निकालना पड़ेगा, उस ऑर्डर में उसको बताना होगा कि वो अवार्ड रिजेक्ट हो रहा है या उसमें मॉडिफिकेशन हो रही है, जो भी है रिटर्न ऑर्डर। और उसके बाद जब भी पहला आपको स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट का जो है बैठक होगा उसमें उसको जो है उस ऑर्डर को रखना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से अपना अपना। यानी कि मान लीजिए आपको 1/4/2021 को ट्रिब्यूनल ने एक ऑर्डर पारित किया और उसके बाद आपको वो 30 दिनों के अंदर यानी 1/5 से वो लागू हो जाता आपको, लेकिन इसी बीच सरकार ने घोषणा कर दी स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो भी मैटर हो ट्रिब्यूनल्स का, नेशनल ट्रिब्यूनल का है या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ट्रिब्यूनल का है,
स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी कि नहीं ये अवार्ड लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दो आधार हो सकता है, या तो इकोनॉमिक बेसिस पर या फिर सोशल जस्टिस के बेसिस पर इसको लागू करने से रोक दिया, तो रोक दिया तो ये अवार्ड लागू नहीं हुआ। लेकिन पारित होने के 90 दिनों के अंदर, यानी कि चौथा पांचवा और छठा, 3 महीना बीत जाए 1 जुलाई तक, ठीक है, अप्रोक्स डेट बता रहा हूँ, आगे पीछे डेट में फिर अंतर हो सकता है, 1 जुलाई 2021 तक जो है इसके बीच में इनको ऑर्डर एक निकालना होगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक ऑर्डर निकालना होगा, और उस ऑर्डर में उनको बताना होगा कि वो इस अवार्ड को रिजेक्ट कर रहे हैं या उसको मॉडिफाइड फॉर्म में ला रहे हैं। और ये रिजेक्ट और मॉडिफाइड जो भी करेंगे उस ऑर्डर को वो अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट के केस में कहेंगे तो विधानसभा या विधान परिषद जो भी है उनका पार्लियामेंट उसके पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में कहेंगे तो संसद में जो है उनको रखना पड़ेगा टेबल पर, और उसके बाद जो है सो ये उनका जो भी ऑर्डर है वो माना जाएगा कि कंप्लीट हो गया, जो मॉडिफाइड ऑर्डर हो या रिजेक्ट किया गया। सबसेक्शन 5 उसके बाद उसमें क्या कहता है कि यदि किसी अवार्ड को रिजेक्ट कर दिया गया ट्रिब्यूनल्स के या मॉडिफाइड कर दिया गया इस सबसेक्शन 4 के तहत, तो और उसके स्टेट लेजिस्लेचर के पास या जो भी पार्लियामेंट था उसके पास आपने रखा है, उसके बाद जो वो बच गया, यानी कि पुराना जो अवार्ड ट्रिब्यूनल वाला था वो तो रिजेक्ट हो गया और सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, तब तो मामला ही खत्म। अगर सरकार ने मॉडिफाई कर दिया उसमें और नया अवार्ड ले आया, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जो नया मॉडिफाइड अवार्ड है वो लागू कब से हो जाएगा? उस लेजिस्लेचर के पास रखने से या पार्लियामेंट के पास रखने से 15 दिनों के भीतर, फ्रॉम द 15 डेज। यानी कि यदि मान लीजिए आपने पार्लियामेंट के पास जो 90 डेज के अंदर आपको ऑर्डर निकाल देना है, ठीक है, अब मान लीजिए पार्लियामेंट हो सकता है कि संसद जो है उस समय सत्र में नहीं हो, अब जब भी संसद सत्र में आएगा तो आप उसमें लेजिस्लेचर के पास रखेंगे और रखने के बाद जो है सो उसको ओके करवा लेंगे एक तरह से उस पर। तो जैसे ही वो लेजिस्लेचर के पास रखाएगा विधानसभा या फिर संसद जिसके पास भी, तो उसके रखाने के 15 दिनों के अंदर जो है फिर वो 15वें दिन से वो फ्रॉम 15 डेज वो फिर लागू हो जाएगा नया वाला अवार्ड, मॉडिफाइड वाला जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने डाला था। और अगर आपने 90 दिन की एक्सपायरी के बाद भी कोई आपने उस पर जो है सो डिक्लेरेशन नहीं दिया, यानी कि आपने अवार्ड को तो रोक दिया लगने से लेकिन 90 दिन बीत गई और आपने कोई भी उस पर ऑर्डर नहीं दिया, या तो मॉडिफाई नहीं किया या उसको रिजेक्ट नहीं किया, ऐसी स्थिति में फिर जो अवार्ड था वो एज इट इज लागू हो जाएगा, वो अवार्ड जो है इन्फोर्सेबल हो जाएगा, यानी कि जो ट्रिब्यूनल ने अवार्ड दिया था वो माना जाएगा कि अब प्रभावी है, सरकार ने उस पर कोई डिक्लेरेशन जारी नहीं किया, कोई ऑर्डर अलग से नहीं निकाला। तो होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा कि अवार्ड देने का पावर है ट्रिब्यूनल्स को, लेकिन सरकार के पास कुछ शर्तें हैं उसके तहत वो उसको रोक सकती है, लेकिन रोकने के बाद सरकार को कुछ काम करना है, 90 दिन के अंदर एक डिक्लेरेशन ऑर्डर भी देना है, उसके बाद उसको संसद या विधानमंडल के पास जो रख करके उसको ओके करवाना है, और यदि वो ओके हो जाता है संसद या विधानमंडल में तो उसके बाद जो है 15 दिनों से लागू हो जाएगा 15 दिनों के अंदर, और यदि सरकार ही डिक्लेरेशन ना दे तो वो 90 दिनों के बाद जो है जो अवार्ड ट्रिब्यूनल ने या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने दिया था वही लागू रहेगा। सबसेक्शन 6 इसमें छोटा सा क्या कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 5 रिगार्डिंग द इनफोर्सिबिलिटी ऑफ एन अवार्ड, द अवार्ड शैल कम इनटू ऑपरेशन विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड देयर इन, बट वेयर नो डेट इज सो स्पेसिफाइड इट शैल कम इनटू ऑपरेशन ऑन द डेट व्हेन द अवार्ड बिकम इनफोर्सिबल अंडर सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 5 एज द केस मे बी। जैसे कि कोई भी अवार्ड जो है आपको 30 दिनों में लागू हो जाएगा, लेकिन अगर उस अवार्ड में ही लिखा हुआ है कि ये 2 महीने के बाद से प्रभावी होगा तो ठीक है, यदि नहीं प्रभावी होने का लिखा है तो हो सकता है सबसेक्शन 4 के तहत अगर रोक लग गई या फिर उसको लेजिस्लेचर के पास रखा गया तो जो अलग अलग समय अवधि दी गई है उसके तहत वो जो है इन्फोर्स होगा, तो वो डिपेंड करता है कौन सा सिचुएशन रहेगा। अब सेक्शन 56 क्या है? सेक्शन 56 फिर से कामगार को मजबूत करता है यहाँ पर। अब क्या है इसको समझिए, कह रहा है कि पेमेंट ऑफ द फुल वेज टू द वर्कर पेंडिंग प्रोसीडिंग इन हायर कोर्ट। अब क्या है कि नियोजक जो है, एम्प्लॉयर जो है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बाहुबली है, वो क्या करेगा, बोलेगा नहीं भाई हम तो जाएंगे तुम्हारे आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। किसके आदेश के खिलाफ? ट्रिब्यूनल्स या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ, अवार्ड के खिलाफ वो चले जाएंगे हायर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। अब मामला जाएगा लटक। वर्कर को अगर मान लीजिए ट्रिब्यूनल ने डायरेक्ट कर दिया है रीइंस्टेट करने के लिए, फिर से काम पर रखने के लिए, और एम्प्लॉयर चला गया हायर कोर्ट में, तो ऐसे में क्या होगा वर्कर का? तो यहाँ कोर्ट बहुत अच्छे से उसको क्लियर कर दिया कि अगर
ट्रिब्यूनल या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने वर्कर को रिइंस्टेट कर दिया है, काम पे फिर से रखने के लिए कह दिया है, और इंप्लॉयर हायर कोर्ट में जाता है तो इंप्लॉयर लायबल होगा पे करने के लिए उस वर्कर को पूरा का पूरा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पेंडेंसी ऑफ सच प्रोसीडिंग इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। वो केस जब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहेगा तब तक इंप्लॉयर उसको फुल वेज पे करेगा जो उसने लास्ट ड्रॉन किया था, इंक्लूसिव एनी मेंटेनेंस अलाउंस, किसी प्रकार का यदि निर्वाह भत्ता वगैरह मिलता है तो उस सबके साथ उसको फुल वेज दिया जाएगा, या फिर वर्कर को काम दे अपना जो काम वो कर रहा था या उसी अमाउंट पर, यानी वेज में उसकी कटौती नहीं होगी और फुल वेज उसको मिलेगा। अगर आप काम नहीं देंगे तो बैठा के वेज दीजिए, लेकिन आपको वेज देना होगा। यहाँ पर इंप्लॉयर शैल बी लायबल, बच नहीं सकते हैं आप अपनी जिम्मेदारी से अंडर एनी रूल इफ द वर्कर हैड नॉट बीन इंप्लॉयड इन एनी एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग सच पीरियड। और उसके बाद एफिडेविट भी देना होगा वर्कर का उसको, जब वो उस कोर्ट में केस वगैरह फाइल करता है कि हाँ उसको वो वेज वगैरह पे कर रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रोविजो दिया गया कि यदि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई है कि नहीं वर्कर को जो है, वो जो वर्कर है वो एम्प्लॉयड है और उसको जो वेज या रेमुनरेशन वगैरह मिलना चाहिए था एडिक्वेटली मिल रहा है, तो कोर्ट जो है फिर उसको इस सेक्शन के तहत वेज देने वाला जो प्रोविजन है उससे एम्प्लॉयर को छुटकारा दे सकता है। कहने की बात सीधी सी है कि एम्प्लॉयर जो है अब कोर्ट में लंबा मामला घसीटेंगे तो वो घसीटे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्कर को आपको जो है पूरा का पूरा वेज उस स्थिति में देना होगा। सेक्शन 56 कहता है कि वैसे व्यक्ति जिन पर ये अवार्ड जो है बाइंडिंग होगा, बाध्यकारी होगा, पर्सन ऑन हुम सेटलमेंट्स एंड अवार्ड्स आर बाइंडिंग, किस पर बाध्यकारी होगा, सीधी सी बात है जो पक्षकार होंगे, ए सेटलमेंट अराइव्ड बाय एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर अदरवाइज देन इन कोर्स ऑफ द कंसिलेशन प्रोसीडिंग शैल बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू द एग्रीमेंट। ठीक है, तो जो भी पार्टी है एम्प्लॉयर और वर्कर ही पार्टी है तो उन दोनों पर जो है अवार्ड बाध्यकारी हो जाएगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन 3 An arbitration award which has become enforceable shall be binding on the parties to the agreement who referred the dispute to arbitration. जिन जिन पार्टी ने डिस्प्यूट को मध्यस्थता के लिए जो है रेफर किया था कि हाँ हमारा डिस्प्यूट जो है सो आर्बिट्रेशन से क्लियर किया जाए, तो वो पार्टी भी यदि आर्बिट्रेशन का कोई अवार्ड होता है तो उस पर उनके ऊपर वो बाइंडिंग होगा। ए सेटलमेंट अराइव्ड एट द कोर्स ऑफ कंसिलेशन प्रोसीडिंग, अब जो समझौता हो गया, अवार्ड तो देता है कौन, क्लियर है आप, अवार्ड देगा आपको ट्रिब्यूनल्स या अवार्ड देगा नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स वगैरह, या फिर आपको आर्बिट्रेशन में भी मिलेगा अवार्ड। लेकिन ट्रिब्यूनल्स, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेशन में अवार्ड देने के बाद जो कंसिलेशन अफसर के सामने वो लोग आपस में करते हैं सहमति, उसको हम लोग कहते हैं सेटलमेंट, समझौता। तो जो समझौता होगा कंसिलेशन अफसर के पास अंडर दिस कोड और एन आर्बिट्रेशन और अवार्ड ऑफ ए ट्रिब्यूनल और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल विच बिकम इन्फोर्सेबल शैल बी ब्रिंग binding on all the parties of the industrial dispute, जो भी industrial dispute के party हैं उन सब पर binding होगा। All other parties summoned to appear in the proceeding as a party to the dispute, अब मान लीजिए कोई matter ऐसा गया जहाँ पे कि कोई एक trade union party था, दूसरा तीसरा नहीं था, लेकिन जो matter है वो वेज में bonus से related है या कुछ और से जिससे कि सभी प्रभावित होंगे, तो फिर court या जो भी officer है वो चाहे तो उनको भी summon करेगा, उनको भी बोलेगा आप इसके party बने, या फिर उनको भी पार्टी के रूप में देखा जाएगा तो उन पर भी वो बाइंडिंग हो जाएगा। अनलेस द आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एज द केस मे बी रिकॉर्ड द ओपिनियन दैट दे वेयर सो समॉन्ड विदाउट द प्रॉपर कॉज, यदि उस समय जो अवार्ड दे रहे हैं और उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया कि नहीं भाई ये जो बुलाए गए थे इनका इससे कोई मतलब नहीं है, केस से लेना देना नहीं है, ये पार्टी नहीं है, तो फिर उन पर नहीं लागू होगा। वेयर ए पार्टी रिफर्ड इन क्लॉज ए और क्लॉज बी इज एन एम्प्लॉयर, उनके जो उत्तराधिकारी होंगे, सक्सेसर्स होंगे, असाइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट टू व्हिच द डिस्प्यूट रिलेट्स, जिससे कि वो विवाद संबंधित है उस एस्टेब्लिशमेंट के जो भी उनके सक्सेसर, मान लिया एम्प्लॉयर का डेथ हो गया या कोई और रीजन से एम्प्लॉयर ने छोड़ दिया, तो जो भी उसका सक्सेसर होगा या जो उसका वैधिक उत्तराधिकारी होगा लीगल, उनके ऊपर वो बाइंडिंग होगा। वेयर एंड पार्टी रिफर्ड इन क्लॉज ए एंड बी इज कंपोज ऑफ वर्कर्स, ऑल पर्सन हु आर एम्प्लॉयड इन द एस्टेब्लिशमेंट और पार्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, ग्रुप ऑफ वर्कर्स थे तो जितने भी उस एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं या उसके किसी हिस्से में काम कर रहे हैं, एज अ केस मे बी टू व्हिच द डिस्प्यूट रिलेट्स ऑन द डेट ऑफ डिस्प्यूट एंड ऑल पर्सन हु सब्सिक्वेंटली बिकम एम्प्लॉयड इन द एस्टेब्लिशमेंट और पार्ट, और मान लीजिए उस समय कोई वर्कर उसमें काम नहीं कर रहा था और उसके बाद डिस्प्यूट हुआ और कोई एक अवार्ड आई, कोई एक बात हुआ, निर्णय हुआ, बाद में कुछ और वर्कर उस काम को ज्वाइन किया उसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में, तो वो जो अवार्ड है वो उन पर भी प्रभावी हो जाएगा, वो निर्णय उन पर भी स्वतः लागू हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग सेक्शन 58 क्या कहता है, पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द सेटलमेंट एंड अवार्ड, यानी कि कोई भी जो अवार्ड है, सेटलमेंट है, पंचाट है, समझौता है, उसका लागू रहने की अवधि वगैरह क्या होगी, उसके बारे में ये सेक्शन आपको क्लियर करेगा।
तो ये क्या कहता है, ये सारी बातें आप जो पिछले आईडी एक्ट की अगर आपने मेरी वीडियोस वगैरह देखी है उसमें भी हम लोगों ने जिक्र किया है, मोर और लेस उसी बात को थोड़ा और अच्छे तरीके से स्पष्ट करते हुए और कई जगह पर वर्कर्स के हितों को अच्छे से साधते हुए लाया गया। तो चलिए ये सबसेक्शन क्या कह रहा है, ये सेटलमेंट शैल कम इन टू ऑपरेशन ऑन सच डेट एज द एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज ऑन डिस्प्यूट। तो सेटलमेंट पर उन्होंने समझौता किया और समझौता में दोनों एग्री हुए कि भाई फलाने तारीख से हम इस बात पर सहमत हो रहे हैं। एंड इफ नो डेट, और अगर मान लीजिए किसी में उन्होंने डेट का उल्लेख नहीं किया है कि किस तारीख से वो इस पर सहमत है, तो ऑन द डेट इन विच मेमोरेंडम ऑफ द सेटलमेंट इज साइन बाय द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। तो तब जिस तिथि को उन्होंने साइन किया कि भैया आज की तिथि को हम साइन कर रहे हैं, तो ठीक है भैया आज की तिथि से ये अवार्ड लागू हो गया। सच सेटलमेंट शैल बी बाइंडिंग फॉर सच पीरियड एज इज एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज, एंड इफ नो सच पीरियड इज एग्रीड अपॉन फॉर ए पीरियड ऑफ द 6 month from the date on which the memorandum of settlement is signed by the parties to the dispute। अब मान लीजिए कि वो अवार्ड कब से कब तक प्रभावी होगा, दोनों ने साइन किया भैया, अब वो 1/4 से लेकर के 1/4/21 से लेकर के, और हम लोग उसको प्रभावी रखते हैं 31/3/22 तक, एक साल के लिए, लेकिन ऐसा कोई डेट उसमें उल्लेख नहीं है, तब फिर कब तक प्रभावी रहेगा, तो फिर वो 6 महीने के लिए प्रभावी हो जाएगा। यानी कि यदि 1/4 को अवार्ड या सेटलमेंट में साइन किया है तो 1/4/21 से लेकर के फिर 30/9/21 तक ये 6 महीने के लिए वैलिड हो जाएगा। एंड शैल कंटिन्यू टू बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड एफोरसेड अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ए नोटिस इन राइटिंग ऑफ एन इंटेंशन और टर्मिनेट द सेटलमेंट इज गिवन बाय वन ऑफ द पार्टी टू द अदर पार्टी और पार्टीज ऑफ द सेटलमेंट। और वो तब तक कंटिन्यू रहेगा 60 दिनों तक, अंटिल द expiry of the 60 day from the date on which the notice in writing of the intention to terminate the settlement। यानी कि इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए 1/4/21 को अवार्ड पर सेटलमेंट पर उन्होंने साइन किया, ठीक है, सेटलमेंट पर 1/4/21 को साइन किया, और वो लागू कब तक रहता, 30/9/21 तक, 6 महीने तक इस अवधि के लिए, या फिर उन्होंने आपस में एक डेट निर्धारित कर दिया हो तो अलग बात है। अब अगर बीच में ही कोई पार्टी उस सेटलमेंट को तोड़ना चाहता है, ठीक है, तो कोई भी पार्टी अगर सेटलमेंट से निकलना चाहता है या अवधि समाप्त होने वाली है, तो उसको जो नोटिस दिया जाएगा, तो नोटिस देने के 60 दिन तक वो 60 डेज तक वो प्रभावी रहेगा, और उसके बाद फिर वो अवार्ड जैसे प्रभावी नहीं रहेगा। अब यही बात अवार्ड के मामले में है कि अवार्ड जो प्रोवाइड किया जाएगा सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द सेक्शन रिमेन इन ऑपरेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑन विच द अवार्ड बिकम इन्फोर्सिबल अंडर सेक्शन 55। जिस तिथि से अवार्ड जो है प्रभावी होगा, यहाँ पर लागू होगा जिस तिथि से, यानी कि एक बात और समझ लीजिए, मान लीजिए साइन किया गया अवार्ड को उस डेट को नहीं लेंगे, क्योंकि उसके बाद भी कई सारा झोलझाल है जो आपने देखा, सरकार रोक देगी या 90 डेज का या 15 डेज का बहुत सारा लफड़ा है, तो इसीलिए जिस तिथि से वो लागू हो जाएगा उस तिथि से फिर 1 साल तक 1 year तक जो है वो आपको प्रभावी रहेगा। अब यहाँ प्रोविजो क्या कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो रिड्यूस्ड कर सकता है उस पीरियड को, और कोई और भी पीरियड यदि वो जैसा उसको उचित लगे वो फिक्स कर सकता है अपना। उसके बाद दूसरा पॉइंट और भी प्रोविजो फर्दर में कहता है क्या कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बिफोर एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड, यानी कि जो 1 साल की अवधि है, एक्सटेंड द पीरियड ऑफ ऑपरेशन बाय एनी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year एट ए टाइम एज इट थिंक फिट्स, हाउएवर दैट टोटल पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनी अवार्ड डज नॉट एक्सीड्स 3 year फ्रॉम द डेट ऑन विच इट कैम इनटू ऑपरेशन। यानी कि मैंने जैसे बताया 1/4 से वो प्रभावी हो गया सपोज कीजिए 1/4/21 से, तो कब तक लागू रहेगा 31/3/22 तक, ये तो नॉर्मल हो गया उसका, ये तो कोड उसको नॉर्मली कह रहा है, ठीक है, समुचित सरकार चाहे तो इसको घटा सकती है, जो उसके पास ये पावर भी। अब उसके बाद यदि लगता है सरकार को नहीं इसको बढ़ाना है, तो वो नोटिफिकेशन से उसको बढ़ा सकती है फिर 1 साल के लिए, यानी कि ये तो 1 साल के लिए हुआ, फिर उसके बाद 1 साल प्लस कर सकती है, और फिर उसके बाद 1 साल प्लस कर सकती है, मैक्सिमम जिस तिथि से लगा था उस तिथि से 3 साल तक, यानी कि 31/3/23 और 31/3/24, तो 31/3/24 तक जो है ये अवार्ड लागू रह सकता है जो 1/4/21 को आया था मैक्सिमम। हालांकि इसके लिए फिर सरकार को एक्सटेंड करना होगा, तो एक बार में वो 1 साल तक एक्सटेंड करेगा और अपना वो नोटिफिकेशन देगा इसके बारे में। अब मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि अवार्ड जो दिया गया था जिस परिस्थितियों में परिस्थितियां बदल गई, ठीक है, और सरकार को लगता है कि अपनी ऑन मोशन ऑन द या और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी बॉन्ड बाय द अवार्ड, सरकार स्वयं अपने स्वतः संज्ञान से या फिर
यदि दोनों पार्टी जो उससे बाइंडेड हैं उनमें से कोई सरकार को बताता है, समचित सरकार के पास मांग रखता है कि ये जो अवार्ड लागू किया गया था अब वो आज के परिस्थितियों के हिसाब से जो है सो बहुत रिलेवेंट नहीं है, उसमें कई सारे चेंजेज आ गया है, तो इसलिए अब ये अवार्ड बहुत प्रभावी नहीं है, तो सरकार चाहे तो फिर उसके निरीक्षण के लिए उसको फिर से ट्रिब्यूनल के पास भेज सकती है। सरकार ट्रिब्यूनल फिर से उसका पुनरीक्षण करे, देखे, और उसके बाद ट्रिब्यूनल जो है वो डिसाइड करे कि वो कब तक ऑपरेशन में रहना चाहिए और ऑपरेशन में उसको रहना चाहिए या नहीं, यानी वो अवार्ड लागू रहे या नहीं, और बाय सच रीजन, बाय रीजन ऑफ सच चेंज बी शॉर्टेंड एंड द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल और सच रेफरेंस शैल बी फाइनल। और यदि वो चाहे तो ट्रिब्यूनल उसके अवधि को भी घटा सकता है और जो भी ट्रिब्यूनल डिसीजन देगा वो उसका फाइनल डिसीजन माना जाएगा। और सब सेक्शन 6 फिर वही बात है कि यदि कोई भी पार्टी इस इंटेंशन से नोटिस देता है कि वो इस अवार्ड को टर्मिनेट करना चाहता है तो फिर जो भी बॉन्ड पार्टी है अगर वो नोटिस करते हैं तो 60 दिन तक फिर उसके बाद उस नोटिस के वो लागू 60 दिन तक वो 16 डेज तक लागू रहेगा 60 डेज तक। और अवार्ड को या सेटलमेंट को समाप्त करने के इंटेंशन से यदि कोई नोटिस देता है पार्टी, जैसे कि उसमें मैंने आपको सबसेक्शन 2 में भी ये बात बताया था और अभी सबसेक्शन 6 में भी आपने देखा, तो फिर वो 60 दिन तक तो नोटिस देने के बाद वो लागू रहता है ये 60 दिन तक, और वो उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा उस नोटिस का यदि इट इज गिवन बाय द पार्टी रिप्रेजेंटिंग द मेजोरिटी ऑफ द पर्सन बॉन्ड बाय सेटलमेंट और अवार्ड एज द केस में। तो जब तक बहुमत का ओपिनियन नहीं है कि भाई इस अवार्ड से निकलना है, इस सेटलमेंट से निकलना है और उसके लिए वो एप्लीकेशन नहीं देता है, तब तक जो है कुछ लोगों द्वारा दिया गया वो एप्लीकेशन प्रभावी नहीं होगा। अब सेक्शन 59 क्या कह रहा है आपको, रिकवरी ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अब मान लीजिए कि एम्प्लॉयर के पास कोई मनी रिकवरी की जानी है किसी अवार्ड के तहत, मान लीजिए कि किसी भी एम्प्लॉयर से किसी सेटलमेंट या अवार्ड या फिर चैप्टर 9 और 10 के प्रोविजन के तहत, 9 और 10 का प्रोविजन किससे जुड़ा हुआ है आपको, रिट्रेंचमेंट क्लोजर और ले ऑफ से जुड़ा हुआ है, उसके जनरल और स्पेशल प्रोविजन से जिसमें उसको कुछ ना कुछ जो है सो सेटलमेंट कुछ ना कुछ अलाउंसेज वगैरह देने पड़ते हैं, स्पेशल प्रोविजन में कुछ ज़्यादा देना पड़ता है आगे हम लोग देखेंगे। तो अगर उसके तहत वर्कर को जो भी बकाया देना है, जो भी पैसा उसको मिलना है, अगर वो एम्प्लॉयर पैसा नहीं देता है तो वर्कर या वर्कर की मृत्यु हो जाए तो उस केस में उसका जो भी लीगल हेयर है, उत्तराधिकारी है, वो जो है उस मनी की रिकवरी के लिए समचित सरकार के पास जो है सो आवेदन दे सकता है। और यदि समचित सरकार को ऐसा लगता है कि नहीं सही में उसका जो है पैसा निकलता है, वर्कर को पैसा नहीं दिया एम्प्लॉयर ने, तो फिर वो उसके लिए सर्टिफिकेट केस जो है उस अमाउंट के कलेक्शन के लिए कलेक्टर के पास इशू कर सकते हैं। सर्टिफिकेट केस मैंने पहले भी बताया, उसको बकाए भू राजस्व की तरह वसूल किया जाता है, उसका अपना एक प्रोसीजर होता है और उसको एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह जो है सो वसूली की जा सकती है। यानी एम्प्लॉयर बच नहीं सकता है, नियोजक बच नहीं सकता है वर्कर के उस पैसे को देने से। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और भी बहुत क्लियर किया गया है कि वो जो आपको बकाए भू राजस्व की तरह वसूली के लिए आपको अपने बकाए का एप्लीकेशन देना है, उस वो पीरियड है आपका 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द मनी बिकम ड्यू, यानी कि जिस तिथि से वो आपको ड्यू हो गया उस तिथि से 1 साल के अंदर आपको एप्लीकेशन दे देना है। किसको, वर्कर को या उसके जो वैधानिक उसके जो विधिक उत्तराधिकारी हैं, लीगल हेयर हैं उनको। अगर उसमें भी कंडीशन दिया कि अगर सरकार को ऐसा लगता है समचित सरकार को कि नहीं उसने एप्लीकेशन देने में जो देरी की है 1 साल बीतने के बाद भी अगर वो दिया है और उसका कोई वैलिड रीजन है, सफिशियंट काउज है कि वो क्यों नहीं एप्लीकेशन कर पाया, उसको जानकारी नहीं थी या फिर वो एप्लीकेशन तो किया था लेकिन वो किसी दूसरे जगह चला गया या एक्स वाई जेड जो भी स्थितियाँ हो, तो फिर ऐसी स्थिति में सरकार 1 साल का पीरियड जो है उसका शांत कर सकती है और उसके बाद भी एप्लीकेशन को ले सकती है। ये पावर समचित सरकार के पास है कि वो क्या करेगी, लेकिन कोर्ट जो है कहता है कि आपको 1 साल के अंदर एप्लीकेशन वर्कर को दे देना। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि मान लीजिए किसी वर्कर को कोई जो है सो लाभ लेना है एम्प्लॉयर से, मनी लेना है, पैसा लेना है किसी भी तरीके से चैप्टर 9-10 के तहत या फिर अवार्ड में या फिर किसी भी तरीके से सेटलमेंट में या फिर जो भी उसको लाभ लेना है उसकी गणना की जानी है और उस पर कोई क्वेश्चन अराइज होता है। वर्कर कहता है कि नहीं हमको जो है सो 5 लाख रुपया मिलेगा और एम्प्लॉयर कहेगा नहीं आपका तो 2 लाख रुपया ही बकाया हो गया, कोई इस तरह से अगर डिस्प्यूट क्रिएट हो गया तो उसका डिसीजन कौन करेगा, तो फिर उसको डिसाइड करेगा ट्रिब्यूनल जो उसके अधिकार क्षेत्र वाला होगा। वो जो है सो मे स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विद इन द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ, 3 महीने की अवधि के भीतर उस पर जो है निर्णय ले लेंगे 3 महीने में ट्रिब्यूनल्स की कितना वर्कर का बकाया बनता है। अब इसमें एक प्रोविजो दिया है कि दैट वे ट्रिब्यूनल कंसिडर इट इज नेसेसरी और एक्सपेडियंट so to do it may for reason to be recorded in writing extend such period by such further
पीरियड एज इट थिंक्स फिट। अब 3 महीने के अवधि के भीतर उनको चूंकि निर्णय देना था लेकिन वो नहीं दे पाए किसी कारण से, तो फिर उस अवधि को वो बढ़ा भी सकते, लेकिन उसके लिए उनको अपना जो भी कारण है रिकॉर्ड करना होगा राइटिंग में कि किन कारण से उन्होंने उसको 3 महीने के अंदर सॉल्व नहीं किया, और फिर उसके बाद वो समय सीमा को बढ़ा सकते हैं। अब वर्कर का जो मनी वैल्यू कंप्यूट किया जाना है, गणना की जानी है, जो भी उसको लाभ देना है, कुछ लाभ ऐसा हो सकता है जो डायरेक्ट मनी वैल्यू में नहीं हो, तो उसके लिए फिर उस लाभ का गणना रुपए के रूप में किया जाएगा। तो उस तरह का जो बेनिफिट होगा उसका मनी वैल्यू कंप्यूट करने के लिए जो है अपॉइंट किया जा सकता है किसी कमिश्नर को, किसके द्वारा, ट्रिब्यूनल्स के द्वारा, और फिर कमिश्नर अपना एक रिपोर्ट देंगे, और रिपोर्ट देने के बाद ट्रिब्यूनल जो उस रिपोर्ट के आधार पर डिटरमाइन करेगा कि कितना अमाउंट जो है एम्प्लॉयर को देना है। अब ट्रिब्यूनल जो भी निर्णय देगा वो फॉरवर्ड करेगा किसको, समिति सरकार को, और ट्रिब्यूनल को लगता है कोई अमाउंट ड्यू है तो फिर उसको रिकवर किया जाएगा। कैसे रिकवर किया जाएगा, तो फिर वही सबसेक्शन 1 में जो बताया गया है सर्टिफिकेट केस के जरिए बकाए भू राजस्व की तरह, उसी तरह से उसको रिकवर करना है। सबसेक्शन 5 क्या कहता है, वेयर वर्कर्स एम्प्लॉयड अंडर द सेम एम्प्लॉयर आर एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम हिम एनी मनी और एनी बेनिफिट कैपेबल ऑफ बीइंग कंप्यूटेड, कोई ऐसा लाभ जो कि जिसकी गणना की जा सकती है मनी के रूप में, और कोई भी मनी जो वर्कर को वैसे सारे कर्मचारी जो एक ही एम्प्लॉयर के अधीन काम करते हैं उनको दिया जाना है। सब्जेक्ट टू सच रूल में बी मेड इन दिस बिहाफ ए सिंगल एप्लीकेशन फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट ड्यू मे बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ और ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ सच वर्कर। कहने का मतलब कि सपोज कीजिए कि 10 वर्कर 20 वर्कर काम कर रहे हैं और सबका एक ही समस्या है, मालिक पैसेवा लेके बैठा है, तो ऐसी स्थिति में वो सिंगल एप्लीकेशन देंगे, एक आवेदन दे देंगे, सब लोग उस पर साइन कर देंगे अपना 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उसके बाद फिर सब साइन करके और सिंगल एप्लीकेशन देके कोर्ट में फिर अपना आगे प्रोसीड करेंगे, समिति सरकार को देंगे, कोर्ट को दे सकते हैं, जैसा आपको डिफरेंट सबसेक्शन में बताया गया उस तरीके से। सेक्शन 60 किससे रिलेटेड है, कमेंसमेंट एंड द कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग। कमेंसमेंट कब होगा, कब प्रारंभ होगा, और क्या कंक्लूजन होगा आपको कार्यवाही का, तो कहता है कि कंसिलेशन प्रोसीडिंग शैल डीम टू हैव बीन commenced on the date on which the first meeting is held by conciliation officer. Suppose कीजिए worker और employer के बीच में dispute हो गया और उसके बाद notice गया और दोनों ने मिलकर बैठक किया, तो जो पहला बैठक हुआ conciliation officer के द्वारा in an industrial dispute after the receipt of the notice of a strike or lockout by the conciliation officer. तो जब भी strike या lockout का notice मिला, conciliation officer ने दोनों को बुला के बैठक किया, तो जिस दिन पहली बैठक हुई उसी दिन से आपको कंसिलेशन प्रोसीडिंग जो है सुलह कार्रवाई जो है प्रारंभ मानी जाएगी। ये कंसिलेशन प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कंक्लूडेड, और कब वो खत्म हो जाएगी वो माना जाएगा, वेयर सेटलमेंट इज अराइव्ड एट व्हेन मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट इज साइंड बाय द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। जो भी दोनों पार्टी हैं उन्होंने समझौता पत्र पर सिग्नेचर कर दिया कि भैया अब हो गया, ये अब हम इसको मान लिए, इन बातों पर सहमत हो गए, तो उस दिन समाप्त हो गया। यदि सेटलमेंट नहीं हुआ तो फिर फेल्योर रिपोर्ट भेजना है कंसिलेशन ऑफिसर को, तो यदि उसने भेज दिया फेल्योर रिपोर्ट जिस तिथि को, and the failure of conciliation recorded by conciliation officer when reference is made to a national industrial tribunal, और किसी कारण से यदि उस केस को national industrial tribunal को refer कर दिया गया, तो फिर settlement की कार्रवाई उस दिन से जो है सो समाप्त मानी जाएगी। अब इसका subsection 3 क्या कहता है कि proceeding before an arbitrator or tribunal or national industrial tribunal of this court shall be deemed to have commenced on the date of the filing application or appeal or on the date of reference of the dispute for arbitration or adjudication as the case may be. अब जैसा कि आपको मेडिएशन होना है जिसका, आर्बिट्रेशन होना है, या फिर जो ट्रिब्यूनल को मैटर जाना है, तो उसमें अपील, उसमें एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा वर्कर या एम्प्लॉयर या जो भी पार्टी होगा उसके द्वारा, तो एप्लीकेशन की तिथि से। यदि मान लीजिए नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है तो उस केस में रेफरेंस किया जाता है, विवाद को निर्देशित किया जाएगा, तो फिर जिस डेट को रेफरेंस दिया गया है उस डेट से जो भी स्थिति हो प्रोसीडिंग को स्टार्ट माना जाएगा। एंड सच प्रोसीडिंग शैल डीम टू हैव बीन कंक्लूडेड ऑन डेट ऑन विच द अवार्ड बिकम इनफोर्सेबल, और वो समाप्त कब माना जाएगा, अवार्ड जिस तिथि से प्रभावित होगा, यानी कि अवार्ड देने की तिथि से नहीं, इनफोर्सेबल अवार्ड लागू होने की तिथि को, यदि वो लागू हो गया अवार्ड जो भी उसने दिया, या फिर अगर अवार्ड को बदला जाता है जैसा कि ऊपर मैंने आपको स्थिति बताया, तो किसी न किसी स्थिति में लागू तो होगा ही, वो बदला जाएगा तो बदलने वाला लागू होगा, तो उस लागू होने की तिथि से वो समाप्त माना जाएगा प्रोसीडिंग को। अब ये सेक्शन 61 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि कुछ मैटर्स को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। सीधी सी बात है, इतनी बड़ी सुनवाई हो रही है तो इसमें कई सारे पक्षकार आ गए, आर्बिट्रेटर होगा, कंसलेशन ऑफिसर होगा, ट्रिब्यूनल होगा, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होगा। अब उनके द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी हो रही है तो ट्रेड यूनियन वगैरह या जो इंडिविजुअल जो बिजनेसमैन है उन सब के द्वारा जो है कई तरह की बातें आएंगी, तो उनको एविडेंस के रूप में दिया जाएगा। अब ऐसे एविडेंस वगैरह को वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनको जो है सो पब्लिक नहीं किया जाए,
गिवन बिफोर सच कंसलेशन ऑफिसर आर्बिट्रेटर और नेशनल ट्रिब्यूनल इफ द ट्रेड यूनियन पर्सन फार्म और कंपनी इन क्वेश्चन हैव मेड ए रिक्वेस्ट इन राइटिंग टू द कंसलेशन ऑफिसर ट्रिब्यूनल नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एज द केस मे बी द सच इन्फॉर्मेशन शैल ट्रीटेड टू बी कॉन्फिडेंशियल। यदि राइटिंग उन्होंने दे दिया कि भाई हमारी इस बात को, अगर मान लीजिए उन्होंने अपना बैलेंस शीट दिया होगा या मान लीजिए उन्होंने अपना कोई ऐसा सूचना दी होगी जो कि कार्रवाई के दौरान, प्रोसीडिंग के दौरान आवश्यक है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि वो पब्लिक ना हो, तो वैसे सूचनाओं को जो है सो वो जो भी ऑफिसर हैं, कंसलेशन ऑफिसर, आर्बिट्रेटर हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं ट्रिब्यूनल से, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के, वो उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे बिना उनके कंसेंट के, इन राइटिंग ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेड यूनियन और द पर्सन फार्म और कंपनी इन द क्वेश्चन एज द केस। ट्रेड यूनियंस का भी हो सकता है, उन्होंने अपना कोई अपना बात बताया हो, स्टेटमेंट दिया हो, तो उसको भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे बिना उनके राइटिंग कंसेंट्स के। प्रोवाइडेड नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू ए डिस्क्लोजर ऑफ एनी सच इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी। और सेक्शन 193 आईपीसी के तहत यदि कोई प्रोसिक्यूशन करना है और उसके लिए किसी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, तो फिर वो इस मामले में इस इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल नहीं माना जाएगा, ऐसे मामले में उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगले दिन हम लोग चैप्टर 8 देखेंगे स्ट्राइक एंड लॉकआउट से रिलेटेड। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।